नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं तिवारी सर ब्लॉग चैनल। आज मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा किलॉग, ठीक है। इससे पहले मैं आपके लिए किलॉग में इमेज बता चुका हूं, किलॉग में इमेज टॉपिक बता चुका हूं और एंगल बता चुका हूं और टाइम बता चुका हूं, ठीक है। अब मैं बचा हुआ टॉपिक है एरर, ठीक है। एरर बाकी रह गया है, तो एरर के लिए आज मैं कंप्लीट कराऊंगा। देखिए, किलॉग में एरर से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं और उसकी ट्रिक क्या होती है आज मैं आपके लिए बताऊंगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार से किलॉग एरर में क्वेश्चन बनते हैं। किलॉग एरर में पहला टाइप है और इस टाइप में आपसे पूछा जाता है कि यदि कोई मिनट की सुई है तो घंटे की सुई को कुछ समय में पार कर लेगी, ठीक है। कुछ समय में पार कर लेगी और आपको दिया रहेगा कि कुछ घंटे में घड़ी कुछ घंटे दिए रहेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि कुछ घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज हो जाएगी घड़ी, ठीक है। तब घड़ी घड़ी धीमी होगी या अथवा तेज होगी, ठीक है। तो ये धीमी और तेज से रिलेटेड क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं एरर में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 22 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये धीमी और तेज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे 100% एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो इस टॉपिक को कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको ट्रिक के जरिए कैसे करते हैं आपके लिए बताते हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 22 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज हो जाएगी। तो आप देखिए वो क्या कह रहा है कि मिनट की सुई है वो घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर रही है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे को कितने समय में ओवरलैप करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए मिनट की सुई घंटे की सुई को 65/5/11 समय में ओवरलैप करती है, इतने समय में, ठीक है। 65/5/11 समय में मिनट की सुई घंटे की सुई को ओवरलैप कर लेती है, ठीक है। ये फिक्स टाइम है, ठीक है। अगर इससे कम होगा समय तो इसका मतलब है घड़ी तेज चल रही है, ठीक है। इस समय से अगर समय कम होगा तो इसका मतलब है घड़ी तेज चल रही है। अगर इससे ज़्यादा समय लगा रही है ओवरलैप करने में और यानी मतलब उसको पार करने में, तो मतलब घड़ी धीमी चल रही है, क्योंकि कोई कुछ फिक्स समय से अगर पहले कर लेगा, उससे समय से पहले कर लेगा यानी वो तेज चल रहा है, अगर उसकी बात करेगा तो यानी इसका वो स्लो चल रहा है। तो इस प्रकार से इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। तो अब अपनी ट्रिक क्या होती है, कितनी धीमी है अथवा तेज है, तो क्या करना पड़ता है। तो देखिए ट्रिक है हमारी, 65/5/11 माइनस समय बटे समय गुणे कुल समय, ठीक है। देखिए 65/5/11 ए वाला फिक्स हो गया, ठीक है। ये समय क्या होता है, समय होता है मिनट की सुई घंटे की सुई को जितने समय में पार करे वो होता है ये समय, ठीक है। मिनट की सुई घंटे की सुई को जितने समय में पार करे वो होता है ये समय। और देखिए कुल समय क्या होता है, कुल समय दिए रहेगा कि 22 घंटे, मतलब इस प्रकार का समय दिया रहता है कि इतने घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज हो जाएगी घड़ी, ठीक है। तो ये दिया है समय, ठीक है। अब सिंपल सीधे अपने ट्रिक में रखते हैं वैल्यू को। देखिए तो क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर रही, तो सबसे पहले देखिए अपने ट्रैक में रखते हैं इसको, 65/5/11 और माइनस समय क्या है, कितने समय में पार कर रही है, 60 मिनट में पार कर रही है, यानी 60 मिनट में पार कर रही है, तो इसका मतलब घड़ी तेज चल रही है, क्योंकि देखिए 65/5/11 में तो मतलब वो पार ही करती है, मतलब ओवरलैप करती है, इतना समय में तो वो मिलती है, तो मतलब ये समय ज़्यादा है ये समय कम है, तो इसका मतलब ये फास्ट चल रही होगी, ठीक है। तो समय को रखते हैं 60 ही है ये वाला समय, इसको भी बटे में रखते हैं। अब गुणा में रखते हैं हम कितना, कुल समय कितना है हमारा, कुल समय है 22 घंटे दे दिए ना, 22 घंटे में कितनी धीमी होगी और तेज होगी। तो देखिए क्या करना है, सिंपल 65/5/11 में से 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5/5/11 बचेगा, कितना बचेगा, 5/5/11 बचेगा। देखिए 65 में से 60 जाएंगे तो 5 बचेंगे और 5/11 अलग से है, उसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है।
तो और बटे में क्या होएगा, 60 तो बटे में रहेगा, ठीक है, गुणा है 22, ठीक है। ठीक है, अब देखें कितना बचा है इधर, 5 सही, 5/11 बटे 60, ये वाला 60 गुणे 22, 22 घंटे दिया है, देखिए 22 घंटे दिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 11 पन्ना 55, 5 55 5, 11 पन्ना 55 और 5 कितना होगा, 60, 60/11, ठीक है। और बटे में कितना है, बटे में दिया है 60, ठीक है, बटे में 60 दिया है, और गुणा में कितना है 22। तो देखिए अब इसको, इसके बटे में तो नीचे में भर रहता है, तो इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेशन करना है सर, ठीक है, 11 गुणे 60, ठीक है, और 22 ये दिया है, तो देखिए 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, और 11 दूनी 22, तो ये कितने, किस में आया समय, इस समय आएगा घंटे में आएगा, ठीक है, 11 दूनी 22, तो किस में आया, 2 घंटा, 2 घंटा क्या होगी, घड़ी तेज होगी, तेज क्यों होगी, क्योंकि देखिए 65, देखिए 65 सही, 5/11 में तो वो ओवरलैप ही हो पाती है, लेकिन क्या है, इससे कम समय में वो पार कर रही, कितने में, 60 मिनट में वो पार कर लेती है, तो 60 मिनट में पार कर रही, तो इसका मतलब वो तेज चल रही, तो 2 घंटा फास्ट होगी घड़ी, क्या होगी, 2 घंटा फास्ट होगी। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारा इसका टाइप फर्स्ट खत्म हो गया, ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप, ठीक है, क्वेश्चन को 2 बार समझ लीजिए, 2 बार कीजिए, अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए, तो आपको आसानी से समझ में आएगा, बहुत सिंपल टाइप है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए अब हमारा दूसरा टाइप है कि घड़ी है, घड़ी में क्या होता है कि कोई घड़ी जो कि लगातार तेज होती है या स्लो होती है, तो मतलब और आपको कुछ समय दे दिया जाएगा कि इतने दिनों बाद या इतने घंटे बाद घड़ी में सही समय कब दिखाया होगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक क्या होती है, आपको सिंपल क्वेश्चन पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसकी ट्रिक क्या है, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक घड़ी, देखिए एक घड़ी जो जो कि लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 8 बजे, रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी, कितनी थी, 5 मिनट पीछे थी, यदि मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे है, तब इसने सही समय कब दिखाया। तो इस तरीके के इस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसने सही समय कब दिखाया, तो इसकी ट्रिक होती है धीमा या तेज, मतलब धीमे हो या तेज हो, या उसके बटे में हो तो धीमा प्लस तेज, यानी स्लो या फास्ट, स्लो प्लस फास्ट गुणे समय, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बताते हैं, हमने तो आपको ट्रिक बताई है, अभी समझाया नहीं है, देखिए क्या होता है, जो कि देखो क्वेश्चन पढ़िए, एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 8 बजे, सबसे पहले तो आप टाइम लिख लीजिए रविवार, जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा लिखते जाओ, रविवार सुबह, ये क्या है क्वेश्चन में, रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी, तो जो क्वेश्चन में कहता जा रहा है वो करना है, रविवार लिख लेना है, और सुबह 8 बजे कितनी थी, 5 मिनट पीछे थी, मतलब बैक थी, मतलब माइनस में, ठीक है, तो 5 मिनट पीछे थी, तो पीछे को शो कर दिया माइनस से, ठीक है, -5, ठीक है। अब कह रहा है यदि वह मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे है, तो कौन सा समय है, मंगलवार, ठीक है, मंगलवार, ठीक है, कितने मिनट आगे है, सुबह, मंगलवार सुबह 8 बजे, 8 ही बजे टाइम कितना है, 8 बजे, ठीक है, और कितने मिनट आगे हैं, कितने मिनट है, 7 मिनट आगे हैं, यानी 7 मिनट ज़्यादा, प्लस के लेंगे, ठीक है, 7 मिनट ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए ट्रिक में, देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो कहे, सबसे पहले क्या कह रहा था, पीछे 5 मिनट पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी, सबसे पहले क्वेश्चन में अगर जो आगे कहे या पीछे कहे, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, पीछे कह रहा है, 5 मिनट पीछे थी, तो हम ऊपर से पीछे वाली लेंगे, यानी धीमी वाली, ठीक है, 5 मिनट धीमे थी ना, तो क्वेश्चन में पहली लाइन में, यानी मतलब पहले धीमे दिया हो या पहले फास्ट तेज दिया हो, पहले जो दिया हो उसको ऊपर लेते हैं और नीचे में दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो पहले इसमें क्या दिया है, पहले इसमें दिया है 5 मिनट पीछे, तो देखिए तेज या धीमे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 5 मिनट पीछे, पीछे, तो देखिए 5 मिनट ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। अब बटे में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ना है, 7 मिनट आगे हैं जो 5 मिनट पीछे हैं, तो देखिए ये तो हो गया धीमा और ये था तेज, ठीक है, तेज, तो पहले देखो धीमा को लिख लिया,
क्या है स्लो या फास्ट, ट्रिक क्या है स्लो या फास्ट। ठीक है, तो हमारा स्लो कितना था, 5 मिनट पीछे थी घड़ी। अब देखिए ऊपर नीचे क्या लिखना है, 7, 5 प्लस 7, क्योंकि धीमा और प्लस तेज। अब गुणा में क्या करना है, समय, समय कौन सा लेना है, रविवार सुबह 8 बजे से लेके मंगलवार सुबह 8 बजे तक, जितना समय बीत जाए। तो इन दोनों के बीच में समय कितना है, इन दोनों के बीच में समय गिनना है, ठीक है, इसको काउंट करना है। रविवार सुबह 8 बजे से लेके मंगलवार सुबह 8 बजे तक कितने घंटे होंगे, ये होंगे 48 घंटे, ठीक है, 48 घंटे। क्योंकि देखिए रविवार सुबह से मंगलवार सुबह, सॉरी रविवार सुबह से सोमवार सुबह 8 बजे तक कितने हुए, इस 8 से सोमवार के 8 तक कितने हुए, 24 घंटे। फिर सोमवार से लेके मंगलवार के 8 कितने होंगे, 24 और होंगे, तो 24 24 48 घंटे हो जाएंगे टोटल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, गुणा में करना है 48, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना, 5 बट्टे 7 5 12 गुणे 48, ठीक है, तो 12 चौको 48, 4 5 20, तो 20 आवर, यानी 20 घंटे, 20 घंटे, ठीक है। अब क्या करना है, वो कह रहा है घट इस, तब इसने सही समय कब दिखाया होगा, तो देखिए जितना भी समय आए उसको पहले वाले समय में जोड़ दो, तो इसने सही समय दर्शाया वो आ जाएगा, ठीक है। अब 20 घंटे आ गए, देखना टाइम हमारा, ठीक है, 20 घंटे बाद पहले समय से इसने सही समय दर्शाया होगा, ठीक है, तो हमारा 20 घंटे आ गया, तो 20 घंटे को इसमें जोड़ो, पहले वाले समय में, पहले वाले समय में 20 घंटे को जोड़ देंगे तो घड़ी ने जब समय सही समय दर्शाया होगा तो वो आ जाएगा, तो ठीक है। तो पहला समय क्या है, संडे, पहला समय है संडे 8 AM, कितना था, संडे 8 AM, पहला समय क्या है संडे 8 AM, इसमें प्लस 20 हावर जोड़ देंगे, 20 हावर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 बजे सुबह के, तो इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 जोड़ेंगे तो रविवार के यानी सोमवार के 4 बजेंगे सुबह के, तो मंडे के 4 बजेंगे, 4 सुबह के बजेंगे, ठीक है, कितने के, 4 AM, क्योंकि 20, अगर 24 घंटे जोड़ते संडे में हम 20 घंटे की जगह, तो कितना होता, सोमवार के सुबह 8 बजे जाते, लेकिन हमने क्या 4 कम जोड़ना है, क्योंकि 20 जोड़ना है, हमने 4 ज़्यादा जोड़ दिए तो सुबह मंडे के 8 AM आ गया, तो 4 कम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मंडे के 4 AM बच जाएगा, ठीक है, तो आपको ये जोड़ लेना है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अपना इसका क्लॉक एरर का तीसरा टाइप, ठीक है। इस टाइप में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले आप इसको क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है, ठीक है, एक घड़ी 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है यदि इसे रविवार सुबह 9 बजे सही किया गया हो, तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार सुबह 11 बजे दिखाएगी, यानी ये सही समय नहीं है, ये पूछ रहा है कि जब वो घड़ी सुबह मंगलवार सुबह 11 बजे दिखाएगी तो इस समय सही समय क्या होगा घड़ी में। ये तो समय देखिए गलत है, क्योंकि 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है, ठीक है, 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है, तो ठीक है, उसे उसे सही कब किया गया है, उसे सही किया गया है रविवार 9 बजे, ठीक है, रविवार 9 बजे सही किया गया हो तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार सुबह 11 बजे दिखाएगी, ठीक है, तो इस समय क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, जब घड़ी मंगलवार सुबह 11 बजे दिखाएगी तो उस समय सही समय क्या होगा, यानी जब वो 24 घंटे में 25 घंटे चल रही है। देखिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो लिख लेना राइट, ठीक है, यानी सही समय, राइट सही समय, और एक साइड लिखना है रॉन्ग। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, एक साइड लिखना है राइट, एक साइड करना है रॉन्ग, यानी गलत समय, ठीक है, सिर्फ ऐसा करना है, और सिर्फ 5 सेकंड में आ जाएगा आपका आंसर। आपको क्या करना है, सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा बस, फिर आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है, ठीक है, तो राइट समय क्या है, देखिए घड़ी 24 घंटे सही चलती है, एक दिन में कितने होते हैं 24 घंटे, तो राइट क्या है 24 घंटे,
लेकिन वो क्या कह रही है, 1 घंटे तेज हो जाती है, 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है। जब 1 घंटा तेज होगी तो 24 प्लस 1 करेंगे तो 25 घंटा हो जाएंगे, मतलब तो 25 घंटा तो गलत हैं, तो गलत को एक साइड लिख लेंगे। देखिए हैं तो एक्चुअल में 24 घंटे, लेकिन कितने दर्शा रही, 25 घंटे। ठीक है, एक्चुअल में कितने हैं, 24 घंटे, वो हो कितने दर्शा रही, 25 घंटे, क्योंकि 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है। ठीक है, तो यदि इसे रविवार सुबह 9 बजे सही किया गया हो, ठीक है, रविवार सुबह, देखिए इसका टाइम लिख लीजिए, रविवार, रविवार सुबह 9 बजे, 9 AM, ठीक है, यानी मॉर्निंग में, ठीक है, सही किया गया हो, जब सही किया गया वो टाइम लिख लीजिए। और देखिए तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार सुबह 11 बजे दिखाएगी। तो देखिए तो मंगलवार लिख लीजिए, ठीक है, दूसरा समय मंगलवार, ठीक है, मंगलवार के लिए देखिए 11 बजे, सुबह 11 बजे, यानी AM, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का टाइम ज्ञात कीजिए, कितने घंटे बीत गए। देखिए रविवार से, रविवार सुबह 9 बजे से मंगलवार सुबह 9 बजे तक कितना टाइम होगा, यानी 2 दिन बीत गए, यानी 48 घंटा। लेकिन ये कितने बजे तक है, 11 बजे तक, तो 48 प्लस 2 हो जाएंगे टोटल 50 घंटे, ठीक है, 50 आवर। तो अब देखिए इधर देखिए, ये 50 घंटे तो क्यों, ये तेज के साथ हैं, क्योंकि 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो रही है, ठीक है, तो उस तरीके से हैं ये 50 घंटे। लेकिन ये तो गलत घंटे हैं, क्योंकि 1 घंटा तेज हो रही है, तो ये तो गलत समय निकला इन दोनों के बीच का, तो इस गलत को गलत के नीचे लिखेंगे, ठीक है, 50 घंटे। ठीक है, तो अब वो क्या करें, इस समय सही समय क्या होगा, देखिए तो क्या करना है, 50 घंटे दिखाए हैं जो, तो ये कितने सही घंटे को 50 घंटे दिखाएं, तो ये ज्ञात करना है हमारे लिए। तो इसको क्या करें, राइट के नीचे क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 25 घंटे जब गलत होते हैं तो कितने सही घंटे होते हैं, 24। अब देखना 25 घंटे सही होते हैं, ये राइट है, ये सॉरी ये रॉन्ग है, गलत, और ये सही। ठीक है, जब 25 घंटे गलत होते हैं तो सही कितने होते हैं, 24 घंटे। तो यानी 1 घंटा जब गलत है तो कितने घंटे सही होंगे, 24 बटे 25। ठीक है, तो जब इधर 50 घंटे गलत दिखा रहा है तो सही घंटे कितने होंगे, देखिए 1 घंटे गलत है तो 24 बटे 25 घंटे सही हैं। जब 50 घंटे गलत दिखाएगा तो कितने घंटे सही होंगे, तो 50 का निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे, 24 बटे 25 × 50 कर देंगे, 25 दूनी 50, 24 दूनी 48, यानी 48 घंटे सही होंगे। ठीक है, तो इस 48 घंटे को क्या करना है, इस 48 घंटे को हमें जब समय सही किया गया था इसमें जोड़ देना है। ठीक है, तो रविवार, रविवार, रविवार सुबह 9 में, 9 AM में जुड़ेंगे कितने, 48 घंटे प्लस 48 आवर, यानी 2 दिन जोड़ दो, 48 घंटे बराबर 2 दिन, तो 2 दिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मंगलवार के सुबह 9 बजेंगे, कितने, मंगलवार के सुबह 9 बजेंगे, ठीक है, 9 AM, मंगलवार के 9 AM बजेंगे। ठीक है, तो यानी देखिए, तो इसने जब वो गलत 11 बजे दिखा रही थी तो सही समय क्या था, मंगलवार 9 बज रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ सकता है। ठीक है, थोड़ा समझने के लिए है ये, थोड़ा ट्रिकी काम है, इसको बेसिक से करना पड़ता है, तो इसलिए समझ लीजिए इसको। तो इसको 2 बार आप देख लेंगे इस वीडियो को, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको इसमें सिर्फ क्या करना है, आपको जब समय सही किया गया था उसमें जितने घंटे आया उसको जोड़ देना है, तो वो मतलब जितना भी समय पूछेगी उतने समय कि सही कब दिखाए तो वो बताएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे क्लॉक के सारे टाइप ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।